गॉड, बड़ा अंधेरा आया। अरे बंद हो गए। वेलकम। दादी का मेडिसिन बॉक्स यहाँ रखा है स्टोर रूम में, क्यों? ये पूछने के लिए यहाँ आया? नहीं, पूछने तो ये आया था कि दादी एक्चुअली ठीक है ना। हो सकता है सबके सामने तुमने झूठ बोला हो कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, तुम मुझे सच बता सकती हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो किसी और तरीके से बताती, लेकिन सच बोलती। फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दादी के पैर में मोच जरूर आई है, लेकिन हाँ, मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और सुबह तक ठीक हो जाएगा। ओ, वो रेड बैग, मैंने दादी का मेडिसिन बॉक्स उस रेड बैग में ही रखा था, वही होगा। ये पकड़ो। तुम पूछ रहे थे कि मैंने दादी का मेडिसिन बॉक्स यहाँ स्टोर रूम में क्यों रखा? क्योंकि इस घर में सबके अपने अपने मेडिसिन बॉक्स। मैं नहीं चाहती कि दादी का बॉक्स बाकी सबके साथ मिक्स हो जाए। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। थैंक यू। किस लिए? आने के लिए। मुझे तो आना ही था ना, मैं एक डॉक्टर हूँ और दादी के पैर में लगी थी। एज अ डॉक्टर मुझे अपना फर्ज तो निभाना ही था। यू थिंक आई एम डाउन? इन डॉक्टर का फर्ज ये सब, तुम यहाँ सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर आई हो प्रीत अरोड़ा। क्यों तो? हाँ छोड़ मेरा, मुझे जाने। कुछ पूछा मैंने? जवाब दो, चले जाना। इतनी अच्छी क्यों तो? अपने दिल की आवाज सुनके बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई, क्यों? पता नहीं, होगा कोई पुराना रिश्ता जो हर बार मुझे खींच के यहाँ ले आता। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा, वरना गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम्हारा। के तीर चल गए साजना, सांसों से दिल सिल गए, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्रीत अरोड़ा,
बोल कुछ और रही है और मुझे सुनाई कुछ और दे रहा है। इस कमरे में कहीं भूत तो नहीं है? तुमने कहा तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है और मुझे सुनाई दिया कि तुम्हें मुझ पे प्यार आ रहा है। आ रहा है क्या? प्रीता, अब एक करण उतरा, वो भी एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। इसको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता था। प्रीता, प्रीता सही कह रही थी, मेरा ना दर्द कम हो गया है। प्रीता के इलाज से पहले मुझे ऐसे लग रहा था मुझे आराम मिलेगा ही नहीं, लेकिन पहले से बेहतर हो गया है। वो जैसी भी है लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर है प्रीता, बहुत अच्छी। क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ राखी आंटी ही प्रीता की साइड ले रही थी और अब दादी भी शुरू हो गई, ये भी उसकी तारीफ करने लगी है, और धीरे धीरे करीना आंटी भी उसकी साइड हो जाएगी, उन्हें भी प्रीता ही अच्छी लगने लगेगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो करण की लाइफ से आउट ही हो जाऊंगी। करण, करण कहाँ आ गया? और प्रीता भी आ नहीं, कहाँ गायब हो गई है दोनों? करण सच में कह रहा था कि मैं अच्छी या सरकास्टिकली बोल रहा था? क्या सच में मेरी तारीफ कर रहा था? अब ये कैसी तारीफ? तारीफ करनी थी तो सीधे सीधे बोल दो, सवाल करके तारीफ करना अजीब। प्रीता, प्रीता क्या मैं है? तुम्हें ही बुला रहा हूँ यार, आवाज दे रहा हूँ तो रुकी क्यों नहीं यार? बजर पट्टी, क्योंकि दादी मेरा वेट कर रही है, मुझे देर हो रही है। इस बार भी फट ही गया होगा। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है जो मैं तुम्हें कब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो तुम मेरा विश्वास करोगी ना? I'm sorry. मेरी गलती है, मुझे ध्यान में रखना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तो मुझे केयरफुल होना चाहिए था। लोगों को पता होना चाहिए कि जब वो करण लूथरा के आसपास हो तो उनके साथ या उनकी चीजों के साथ कुछ भी हो सकता है। My mistake. I'm sorry. कि क्या हो रहा है? ये दोनों बार बार मुझे एक साथ क्यों दिख रहे हैं? मैं नहीं देख सकती इन दोनों को एक साथ। मैं इसे बुला क्यों रहा हूं? तो तेरा दिमाग खराब हो गया, जाना कहाँ जा रहा है? दादी अब कैसा लग रहा? पहले से आराम है। आपको ऐसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दुखी होते हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे हंसते रह कर। मेरे पास आप प्रीता,
सॉरी प्रीता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, माफ कर मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। दादी, आपके पैर में अपॉइंटमेंट लगा देती हूँ, तो आपको सुबह तक आराम रहेगा। और अब आपने पेन किलर खा लिए तो दर्द तो आपको होगा नहीं, और सुबह जब आप उठेंगी आपको लगेगा ही नहीं कि आपको चोट लगी थी। मैं जानती पुत्र, अब तू आ गई है ना तो मेरा पैर ठीक करके ही रहेगी। मुझे कुछ बात नहीं करनी तुझसे। तो मुझे कौन सी तेरे से बात करनी है? तुझे लगता है मुझे तेरे से बात करनी है? हाँ यार, वैसे एक्चुअली करनी है। सुन सुन, गुस्सा मत कर, मेरी बात सुन, आराम से ना, मेरी सिर्फ एक बात सुनना। सब लोग कितना परेशान हो गए थे ना, पर प्रीता जी ने आके सारी सिचुएशन संभाली, दादी का ट्रीटमेंट किया और सब लोग कंफर्टेबल हो गए। है ना, अच्छी बात है कि वो पूरे घर को संभाल लेते हैं। मैम वेरी हैप्पी, तो भी खुश होगा ना। मायरा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? इधर जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही कर रही है। क्या कहा उस लड़की ने? मेहंदी वाले फंक्शन में कहा था कि उसके हाथों में करण के नाम की मेहंदी लग गई, तो मुझे इस शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए, क्योंकि वो और करण एक दूसरे के लिए बने हुए। उसने कहा मेरे गले में ये मंगलसूत्र करण ने अपने हाथों से पहनाया, हम दोनों की शादी हुई है और रस्मों कस्मों के हिसाब से हुई है, हर रीति रिवाज से हुई है, अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ फेरे लिए। क्या ऐसा कहा उस लड़की ने? और आंटी, आज वो उस घर में भी आ गई और वो बहुत कोशिश कर रही है करण के क्लोज जाने की। मुझे पता है वो यहाँ पर मुझे करण से दूर करने के लिए आई है, क्योंकि उसने यही कहा था मुझसे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो बेटा, करण के दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर उसके दिल में प्रीता के लिए फीलिंग्स होती तो क्या वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहता? नहीं ना बेटा, करण इज बीइंग नाइस टू हर, क्योंकि वो मॉम की ट्रीटमेंट करने आई है ना, बस इसीलिए। नहीं आंटी, आप समझ नहीं रही है, मुझे वो रीजन दिखाई दे रहा है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रीता जितनी अच्छी बनती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकती है मुझे करण से दूर करने के लिए, मैं जानती हूँ ये बात। प्रीता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रही उस प्रीता की बात, उस लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं जानती हूँ किस टाइप की लड़की है। पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हारी और करण की शादी कराऊंगी, देख लेना ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, ट्रस्ट मी बेटा। अब रोना बंद करो, कम आ दी। दादी की तबीयत अब ठीक है, सुबह उठेंगी तो आई डोंट थिंक उन्हें पेन जरा भी होगा, और उन्हें नींद भी आ गई है, अब आप भी रेस्ट कर सकती हैं। प्रीता,
हमारे बुलाने पे तुम आई, मम्मी जी का ट्रीटमेंट किया, थैंक यू सो मच बेटा। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम अकेली नहीं जा सकती, काफी रात हो चुकी है। ऋषभ आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले चले जाऊंगी, मैं खुद चले। कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की, करण लूथरा तो मैं खुद छोड़कर आएगा। जाओ प्रीता। कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दा ही मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। क्या हुआ? ओ, घर आ गया। हाँ? हाँ? कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ओ, मुझे लगा तुमने कुछ कहा, सॉरी। ओके बाय बाय। दे दूं क्या? नहीं, वो क्या सोचेगी, लेकिन है अभी तो उसी के लिए, दे देता हूं। प्रीता! अरे ये तुझे क्या हो गया, वो कुछ बोल नहीं रहा और तुझे लग रहा है वो तुझे आवाज लगा रहा है। क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें आवाज दी थी मैंने, तुम रुकी नहीं। मैंने सुनी थी पर मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। पहले बज रहे थे, अभी मैंने बुलाया। ओह, क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए, कब से मेरे पास पड़ा है मेरी कार में, इनफैक्ट तब से जब से ऋषभ की शादी हुई है। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए 5 दुपट्टे हैं। सोचा था लौटा दूंगा जो मुझसे फटे थे, आज मौका मिला। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रखो। मैंने तुम्हारे दुपट्टे फाड़े थे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दुपट्टे को लगे कि मैं उनका दुश्मन हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, रख लो। लेकिन तुमने तो सिर्फ 4 दुपट्टे फाड़े थे ना, तो 5 के दे रहे हो। 5 फट गया ना। मेरी राहें
तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। बड़ी पक्की गिनती रखते हो? Of course, I'm D. Karan Luthra. कब से इंतजार कर रहा था कि पांचवा दुपट्टा फटे, आई मीन फट जाए और मैं तुम्हें ये सब दे सकूं। लेकिन पांचवा दुपट्टा फटने में काफी वक्त लग गया। रख लो। तेरे नाल तक दीरा लिखवाऊंगा मैं, तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा।